आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम भूपेश को पत्र, पेंशनधारियों को पेंशन और स्ट्रीट वेंडरों को जल्द सहायता राशि देने की मांग। रायपुर। कोरोना संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। रमन सिंह ने निराश्रित पेंशनधारी, वृद्धा पेंशन, निशक्तजन पेंशन, विधवा पेंशन और मुख्यमंत्री पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के हितग्राहियों को पेंशन देने की मांग की है। पूर्व सीएम रमन ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में हितग्राहियों को पेंशन जल्द दिया जाए, इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडरों को उनके खाते में 2000 रुपए की सहायता राशि देने की मांग की है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पत्र के जरिए कहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना महामारी का संकट चल रहा है, प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लॉकडाउन है। ऐसे समय में राज्य के सभी नगरी क्षेत्र के निराश्रित पेंशनधारी, वृद्धा पेंशन, निशक्तजन पेंशन, विधवा पेंशन और मुख्यमंत्री पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के सभी प्राप्त हितग्राहियों को पेंशन राशि जल्द प्रदान किया जाए, स्ट्रीट वेंडरों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपए की सहायता राशि दिया जाना चाहिए, जिससे इस कठिन समय में उनका घर चल सके। इसलिए सभी हितग्राहियों को पेंशन राशि अतिशीघ्र प्रदान किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करें। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जैन समाज के लगभग 10,000 साधु साध्वियों को वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश में प्रवास में रहते हैं, जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता, न ही कोई परिचय प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, मतदाता परिचय पत्र बना होता है। कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए परिचय पत्र देना अनिवार्य है, जिस कारण इन साधु साध्वी राष्ट्रीय टीकाकरण महाभियान से छूट रहे हैं, इसलिए इन्हें बिना परिचय पत्र के वैक्सीन लगाया जाए। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, माओवादियों के भारत बंद के दौरान 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। माओवादियों के भारत बंद के दिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 नक्सली आईडी ब्लास्ट, आगजनी समेत कई घटनाओं में शामिल थे। दावा किया गया कि इन नक्सलियों द्वारा किए आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए थे। ये पूरा मामला कोहकामेटा थाना व कुरुचिनार थाना का है, एएसपी नीरज चंद्राकर ने इसकी पुष्टि की है। इधर दंतेवाड़ा के बोदली मंगनार मार्ग में माओवादियों ने उत्पात मचा दिया, जगह जगह सड़क काट दी गई, पेड़ की टहनियों व पत्थरों को सड़क पर फेंका। इस घटना को माओवादियों की पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने अंजाम दिया है। बता दें कि 26 अप्रैल को माओवादियों ने भारत बंद कर आह्वान कर इलाके में दर्जनों बैनर पोस्टर लगाए। माओवादियों ने पोस्टर में ऑपरेशन प्रहार का विरोध किया है। सातधार पुल के पास सीआरपीएफ कैंप है, इसके कुछ दूरी पर मलिवाही व पुष्पाल और बादली कैंप है। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में 3 से 4 सुरक्षा बलों का कैंप है, उसके बावजूद दिन दहाड़े माओवादियों ने यहां पर भारी संख्या में बैनर पोस्टर लगा दिए। सीआरपीएफ चेक पोस्ट से करीब 200 मीटर की दूरी पर ही पोस्टर लगाए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, कोरोना देश में बीते दिन रिकॉर्ड 3.54 लाख नए संक्रमित मिले, 2,806 की मौत। कर्नाटक में केस 6 गुना बढ़ने के बाद 14 दिन का लॉकडाउन, देश में कोरोना की दूसरी लहर दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,54,533 नए संक्रमित सामने आए, यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 2,806 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। राहत की बात यह है कि रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। रविवार को 2,18,561 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में आज से 14 दिन का लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को इसका ऐलान किया। यह लॉकडाउन आज रात 9 बजे से लागू होगा। यहां पिछले 20 दिनों में कोरोना के रोजाना मामलों में 6.5 गुना तक की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। 5 अप्रैल को यहां 5,279 संक्रमितों की पहचान हुई थी, यह आंकड़ा 25 अप्रैल को बढ़कर 34,804 तक पहुँच गया। वहीं छत्तीसगढ़ में रविवार को 12,666 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 11,595 लोग ठीक हुए और 190 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 6,52,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, इनमें 5,21,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,310 मरीजों की मौत हो चुकी है।
123,000 का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूरज के चारों ओर दिखी सतरंगी रिंग, वैज्ञानिक इसे कहते हैं हालो। आसमान में नमी की वजह से बनता है ये छल्ला। सबसे पहले जशपुर और फिर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के शहरों में लोगों ने सोमवार को सूरज के चारों ओर एक गोल इंद्रधनुष देखा। सोशल मीडिया पर हैरानी से लोगों ने इसकी और वीडियो शेयर करने लगे। आकार में गोल दिखने वाले इस इंद्रधनुष को देखकर लोगों में उत्सुकता नजर आई। हर कोई यही सोचता रहा कि आखिर इस नजारे के पीछे की वजह क्या होगी। मीडिया कर्मी ने इसे लेकर मौसम वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रियों से बात की। मौसम विभाग के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि जशपुर की ओर से इस तरह की तस्वीरें सुबह 11 बजे के आसपास आनी शुरू हुई थी। ये एक आम प्रोसेस है। सूरज जब जमीन से 22 डिग्री के एंगल पर पहुंचता है तो आसमान में नमी की वजह से इस तरह का नजारा क्रिएट होता है। आमतौर पर इंद्रधनुष हमेशा शाम के वक्त बनते हैं, वो भी तब जब बारिश हो, मगर ये आसमान के सिरस क्लाउड की वजह से दोपहर के वक्त बनता है। वहीं अगला ब्रेकिंग न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने भारत में कोरोना की स्थिति पर जताई चिंता, मदद का किया वादा। नई दिल्ली। भारत में कोरोना महामारी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने चिंता जताई है। सत्य नडेला ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में उत्पन्न हुई स्थिति से वो काफी दुखी हैं और राहत उपायों में मदद करने का वादा करते हैं। नडेला ने अपने ट्वीट में कहा है कि मैं भारत की वर्तमान स्थिति से बहुत दुखी हूं। मैं आभारी हूं कि अमेरिकी सरकार मदद करने में जुट गई है। माइक्रोसॉफ्ट राहत प्रयासों में सहायता के लिए अपनी आवाज, संसाधनों और टेक्नोलॉजी का उपयोग को जारी रखेगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए सहयोग करेगा। वहीं इससे पहले सुंदर पिचाई ने मदद का वादा किया है। सुंदर पिचाई ने ट्वीट कर बताया कि भारत में कोरोना संकट को देखते हुए गूगल ने 135 करोड़ रुपए का फंड देने का फैसला किया है। यह फंड गिव इंडिया और यूनिसेफ के जरिए भारत को मिलेंगे। गिव इंडिया को दिए फंड से उन लोगों को दिया जाएगा जो कोरोना के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ताकि वे अपने खर्च उठा सके। वहीं यूनिसेफ के जरिए ऑक्सीजन और टेस्टिंग उपकरण सहित अन्य मेडिकल सप्लाई दी जाएगी। गूगल के कर्मचारी भी भारत के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अभी तक 900 गूगल कर्मियों ने 3.7 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कोरोना संक्रमण पर सख्त रुख। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी, समन्वय की केंद्रीय व्यवस्था बनाए। 24 घंटे में मरीज को मिले रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण और मरीजों की मौत को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। सरकार की तमाम दलीलों के बाद आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। वो सुनिश्चित करे कि इसकी कमी से किसी मरीज की मौत न हो। चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन और जस्टिस PP साहू की बेंच में हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि उद्योगपतियों से सरकार सामंजस्य बनाए, जिससे ऑक्सीजन और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिले। कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड होने में देरी हो रही है, ऐसे में सरकार व्यवस्था करे कि मरीज को उसकी रिपोर्ट 24 घंटे में भेजी जा सके। कोर्ट ने ऑक्सीजन, एंटीजन, RT-PCR व दूसरे जांच की दर निर्धारित करने के भी आदेश दिए। वहीं मरीज को बेड उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाने को कहा, जिससे हर जिले के CMHO आपस में जुड़ सके। याचिकाकर्ता की मुख्य मांग रेलवे की ओर से ट्रेन के 111 कोच में बनाए गए 400 बेड की मांग थी। इस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्य और रेलवे की बैठक हो गई है, राज्य को अभी इन कोच की जरूरत नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब रेलवे को राज्य के नोडल अधिकारी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिवेदन देंगे, इसके बाद रेलवे बेड की व्यवस्था करेगा। दूसरी ओर कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना से संबंधित जरूरी सामग्री राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। अगली बड़ी खबर है, शव नहीं देने, इलाज में अधिक वसूली और एम्बुलेंस की शिकायतें, बनी जांच कमेटी, रायपुर। कोरोना मरीजों को अगर चिकित्सालयों में इलाज के दौरान किसी प्रकार की शिकायत है तो जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अधिक राशि लेने, वसूली के लिए डेड बॉडी नहीं देने, एम्बुलेंस आदि के लिए अधिक राशि वसूलने जैसी शिकायतें की जा सकती है। इसके लिए प्रशासन ने विभिन्न शिकायतों पर जांच कमेटी बनाई है। कलेक्टर DA S भारतीदासन ने इस संबंध में कोरोना के जिला कंट्रोल रूम में एक नया नंबर जुड़वाया है। इसका नंबर 8600270023 है। कलेक्टर बताया कि जिले के कंट्रोल रूम में कोरोना मरीजों से मिलने वाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक नंबर सुरक्षित रखा जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर मरीज अपनी समस्या और शिकायत को दर्ज करा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन का राज्य का कोटा 48,000 से बढ़कर 75,000 हुआ। रायपुर जिले में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या 4 से बढ़कर 8,000 हुई है।
वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कलेक्टर डा भारती दासन, स्वास्थ्य सेवाएं के संचालक नीरज बंसोड और रेमडेसिविर इंजेक्शन आपूर्ति के लिए राज्य नोडल अधिकारी हिमशिखर गुप्ता ने निजी अस्पताल के संचालकों से बातचीत की। निजी चिकित्सालयों के संचालकों से अनुरोध किया गया कि उनके चिकित्सालय में भर्ती कोरोना मरीजों तथा खाली बेड की जानकारी को पोर्टल के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहे। अगर अनुमति से भी अधिक मरीज चिकित्सालय में भर्ती है या भर्ती करने की जरूरत है तो इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तत्काल सूचित कर अनुमति लें। जरूरत के अनुसार उन्हें रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्थित रूप से हो सके। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, लॉकडाउन में घर से बाहर निकला तो मिली ऐसी सजा, पुलिस वालों ने मोबाइल में डाउनलोड कराया कोविन ऐप, कहा 3 और लोगों को अपलोड कराना। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की एक मूवी आई थी जय हो, इसमें सलमान खान ने सेना के एक जवान का रोल किया था। जहां वह किसी के लिए अच्छा काम करता है तो समझाता है कि वह भी 3 लोगों के लिए करे और उन्हें कहे कि वह 3 अन्य लोगों का भला करे। इसी तर्ज पर दिनों छत्तीसगढ़ के कवर्धा पुलिस भी चल पड़ी है, जो युवाओं को वैक्सीनेशन की जानकारी दे रही और अन्य को भी देने की दंड भी दे रही है। दरअसल प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, बावजूद इसके युवा वर्ग के लोग सड़क पर बिना कारण घूम रहे हैं। ऐसे ही युवकों को कवर्धा पुलिस ने पकड़कर इन युवकों से कोविन ऐप डाउनलोड कराया, साथ ही 3 अन्य साथियों को भी डाउनलोड कराने के लिए कहा। इसके साथ ही संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन के फायदे भी बताए। पुलिस लोगों से बार बार घरों में रहने और बिना वजह नहीं घूमने की अपील कर रही है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो मान नहीं रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या युवा वर्ग की है, जो वाहनों से या फिर पैदल ही सड़क पर घूमने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवकों को सहसपुर लोहारा क्षेत्र में पुलिस ने रोक लिया। इन युवकों को पहले संक्रमण से बचने और वैक्सीनेशन के फायदे बताए, फिर वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप डाउनलोड कराया गया।